दोस्तों कहते हैं बिक रही सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के सरकार में, बिक रही सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के सरकार में। परीक्षा से पहले आ जाता है प्रश्न, परीक्षा से पहले आ जाता है प्रश्न उत्तर बिहारी बाजार में। कड़ी मेहनत से कर पढ़ाई यहाँ छात्र थक थक जाते हैं। कड़ी मेहनत से कर पढ़ाई छात्र यहाँ थक थक जाते हैं, पर बिहार की भूमि पर नौकरी नहीं ले पाते हैं। लालेश्वर परमेश्वर जैसे अध्यक्ष सचिव बन आएंगे, लालेश्वर परमेश्वर जैसे सचिव अध्यक्ष बन जाएंगे तो मेधावी छात्र बिहार में नौकरी कैसे पाएंगे। घूस देकर नौकरी के लिए कर्मचारी जो बन जाएगा या बन आएगा, क्या कभी वो ड्यूटी में ईमानदारी दिखला पाएगा। बिहार एसएससी का घटोला पैसे से बहाली, बिहार एसएससी का घटोला पैसे से बहाली। रोना आता है देखकर बिहार शिक्षा की बदहाली। पढ़कर हमें बताए आपका क्या विचार है, पढ़कर आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आपका क्या विचार है। भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, गठबंधन सरकार है। दोस्तों डीएलएड मिशन 2020 को टारगेट करने के लिए एक्सेलेंट गैस पेपर से टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें केमिस्ट्री में 180 तक के क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। आज हम लोग 250 तक के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे पांचवा वीडियो में। तो इससे पहले चार वीडियो बन चुका है, फिजिक्स ख़त्म हो चुका है, ज्योग्राफी हिस्ट्री वो सब ख़त्म हो चुका है। आप उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा बाद में अगर नहीं वॉच की हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ आधे घंटे के लिए जुड़ जाइए, प्रतिदिन शाम 6:30 बजे आप सभी लाइव ज़रूर आ जाया कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोसी स्टडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ वहां पर अभी शेयर कर दिया जाएगा, ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ है केमिस्ट्री का। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, टोटल 60 मार्क के होंगे। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो एक मार्क्स आप लोगों का निगेटिव भी चला जाएगा। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क के रूप में था, 185 का जवाब दीजिए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या होगा। और सभी क्वेश्चन का कोशिश कीजिएगा जवाब देने का। इससे होगा क्या कि आप में इम्प्रेशन जगेगा, आप में अट्रैक्शन जगेगा कि आप जब जवाब देंगे तो उसमें आप ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि कॉमेंट भी करते चलें। और दोस्तों वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे नए साथी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और एक शेयर हो सके तो अपने दोस्त के साथ भी कर दीजिए, जिससे कि आपका दोस्त भी आपको मोटिवेशन दे सके। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही जवाब आप देख लीजिए क्या होगा, अगर पढ़िएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहिएगा। यानी कि सोडियम क्लोराइड तो NaCl आपका हो जाएगा जलीय विलयन, इससे जब होकर के विद्युत धारा पास करेगा तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो मतलब जलीय घोल है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, और H2O भी हो जाएगा। H2O हो जाएगा तो NaOH बनाएगा यहाँ पर, और एक जो यहाँ पर हाइड्रोजन बच जाएगा वो HCl बना लेगा। तो बताइए इस प्रक्रिया को क्या कहिएगा। परिभाषा से ही दोस्तों आप लोगों का क्लियर है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। मतलब ये क्या होता है, क्लोरीन टूटता है और ये हाइड्रोक्साइड बनाता है यानी कि क्षार बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो क्षार। स्पेशल नाम इसको दिया गया है, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। और आपका पहला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है। धातुओं का निष्कर्षण आप पढ़े होंगे, नाइन्थ में भी है और आपको टेंथ में भी मिल जाएगा, और ट्वेल्थ में तो आपको है ही।
बताइए इसका क्या आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों कहता है सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, मतलब जो सबसे सक्रिय धातु है उसका जो है अभिक्रिया धातु का निष्कर्षण होगा, तो निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा होगा? थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, अपचयन अभिक्रिया द्वारा, धातुओं के गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा। बिल्कुल दोस्तों सही जवाब सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह पर भूरा रंग समाप्त हो जाता है और हरे रंग की परत चढ़ जाती है, या हरा रंग की जो परत है इसे क्या कहिएगा आप? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट या कॉपर नाइट्रेट? तो दोस्तों आपको पता है कि कॉपर जो है वायु में उपस्थित नमी यानी कि आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, उससे अभिक्रिया करता है तो कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करता है, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति हो जाती है, तो कार्बन क्या है यहाँ पर बताइए? अपचायक है, उपचायक है, ये और भी दोनों है, या सभी उत्तर सत्य हैं? बताइए दोस्तों क्या होगा? जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म किया जाता है, यानी कि जेड एन ओ है जिंक ऑक्साइड प्लस सी है, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है, सी ओ टू बनता है। तो इस तरह से ये जो सी क्या है रिएक्टेंट में भाग लिया है ना, तो इसको रिएक्टेंट कहेंगे, मतलब कि अपचायक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु प्राप्त किस विधि द्वारा की जाती है बताइए? धातु का निष्कर्षण में आप पढ़े होंगे कि उच्च अभिक्रियाशील की जो धातु है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा, भंजन द्वारा या फिर निस्तापन द्वारा? तो दोस्तों अभी ऊपर में भी पढ़े हैं क्या किया जाता है, गलित धातु से जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिससे कि सोडियम अलग हो जाता है, और अभी ऊपर में आपका था और CO2 अलग हो जाता था, तो यहाँ पर ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभिक्रियाशील धातु होगा जो उच्च श्रेणी के होंगे उससे धातु प्राप्त करने के लिए उसके गलित अवस्था से करंट पास करेंगे। अगला है आपका, भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली निम्नांकित में से कौन सी धातु है? बहुत बार 12th के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में जितना बार कहे पूछा जा चुका है। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल दोस्तों बताइए इसका क्या जवाब होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको अल्मोनियम हो जाएगा। इसका आंसर जो लिया है एजी लिया है, लेकिन आपका ये आंसर अल्मोनियम होगा, सी नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है बताइए? लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा? ऑक्सीजन, NO2 और नाइट्रोजन, और NO2 और ऑक्सीजन क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, NO2 प्राप्त होता है। अगला है आपका, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? बहुत बार ये 10th में पूछा जाता है, कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि कठोर होता है? हीरा और ग्रेफाइट दो अपरूप है इसका, लेकिन कठोर जो है वो आपका हीरा है। आगे बढ़ते हैं, सिनेवार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है, सही बात है? उसके बाद कह रहा है इसे पुनः जब गर्म किया जाता है तो कौन सी धातु अपचयित होती है बताइए? सिनेबार, आप नाम सुने होंगे, ये जो है इसका व्यापारिक नाम है सिनेबार। तो दोस्तों सिनेबार का सूत्र क्या होता है? HgS होता है सिनेबार का सूत्र। जब इसे उपचयित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? HgN प्राप्त होगा, तो 193 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? धातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के अचालक होते हैं, चालक होते हैं, अति चालक होते हैं या फिर अर्धचालक होते हैं, क्या सही आंसर होगा दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों ऊष्मा विद्युत के चालक होते हैं, और सॉरी धातु विद्युत और ऊष्मा दोनों के चालक होते हैं, बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा।
धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होता है? दोस्तों, आवर्त सारणी को आप बचपन से लेकर के अभी तक पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक याद नहीं हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए, ढेर सारे आपको YouTube पर मिल जाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके माध्यम से आप आवर्त सारणी को याद कर पाएंगे। तो धातुएं जो है किस साइड होता है, बायां साइड, दायां साइड, लैंथेनाइड तत्व के साथ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, लेफ्ट साइड आपका जो होता है धातु होता है और राइट साइड आपका उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस आई, जी ई, ए एस और एस वी तत्व जो कहलाता है ये क्या कहलाएगा, क्रियाशील धातु, अक्रियाशील धातु, अधातु या उपधातु? तो दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ से यहाँ जो है सबसे राइट साइड में जो है आपका एक सीरीज होता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ए एस, एस बी, तो ये जो होता है आपका उपधातु का नाम है, ठीक ना? तो ये सभी उपधातु आपका हो जाएगा। अगला है आपका, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित होता है, अधातु जो होता है आवर्त सारणी में किस साइड स्थित होता है, बताइए। अधातु बिल्कुल दोस्तों आपका दाई साइड होता है, राइट साइड से अधातु होता है, लेफ्ट साइड से आपका जो है ये धातु हो जाएगा, और दोस्तों उपधातु भी आपका राइट साइड से ही मिल जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टी आई सी आर एम एन जेड आर धातुओं को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण धातु, समृद्ध धातु, प्राचीनतम धातु या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, इसे जो कहा जाता है सामरिक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं, धातु, उपधातु, धातु और मिश्र धातु, कौन हो जाएगा? दोस्तों, जो भी तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, धनात्मक आयन बनाता है, वो आपका धातु कहलाता है, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। धातुओं द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है, संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों, जो भी धातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसे उस धातु का संयोजकता कहा जाता है। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, सफ़ेद, लाल भूरा वर्ण, पीत वर्ण या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों, इसका जो होता है पीत वर्ण होता है, जो काफ़ी मनोरम लगता है देखने में। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके ऊपर क्या होता है, काले धब्बे पड़ जाते हैं, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिल्वर सल्फाइड का वो क्या हो जाएगा, परत हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहा जाता है? जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, उसके फलस्वरूप यौगिक बनता है, तो सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक या दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, क्या कहलाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आयनिक यौगिक कहलाता है, क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक। अगला है आपका, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बन रहा है तो आयनिक यौगिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु अधातु हैं, बताइए, एच, जेड एन, एम जी, एफ ई, अधातु है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन जो है ये आपका अधातु है, जिंक, मैग्नीशियम और लोहा ये आपका धातु है। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, मध्य होते हैं या कोई भी नहीं? हीरा कठोर धातु है, कहते हैं लोहा को लोहा से काटा जाता है और हीरा को हीरा से काटा जाता है, इसका मतलब है दोनों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, कैथोड पर, एनोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई भी नहीं? तो तांबा आपका धातु है और धातु जो जमा होता है वो आपका कैथोड पर जमा होगा। अगला है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराएंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा हो जाएगा? कैथोड, कैथोड पर होगा, विद्युत अपघट्य हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों बैटरी में भी देखे होंगे या पढ़े होंगे कि CuSO4 का घोल दिया जाता है तो वहाँ पर वो अम्लीय होता है, तो वो आपका विद्युत अपघट्य की भांति काम करता है। अगला है, अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर अवक्षेपित हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? बताइए, पंक, गैंग, एनोड पंक या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, जो भी अवक्षेप होता है उसे तो वैसे तो गैंग कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये गैंग नहीं कहलाएगा, एनोड पंक कहलाएगा, क्योंकि यह जो है करंट पास करने पर अविलय अशुद्धियाँ जो है एनोड के तली पर विक्षेपित होता है, तो इसे एनोड पंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? शुष्क कर्मक, वायु को गीला करने वाला, या जलवाष्प से अप्रभावित रहने वाला, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को शुष्क कर्मक कहा जाता है, रिएक्टेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिल्वर को वायु में खुला छोड़ देने पर यह जो है किस तत्व से अभिक्रिया करता है? किस तत्व से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? तो आपको पता है कि जब आर्द्रता और नमी उपस्थित रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके ये क्या करता है, कॉपर जो होता है आपका उस पर जो है भूरा रंग का परत जम जाता है, और जब वही जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह बाद में जो है क्या होता है, हरे रंग की परत बना लेती है। तो यहाँ पर सिल्वर है और वहाँ पर क्या था आपका, कॉपर है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एस से अभिक्रिया कर, सल्फर से अभिक्रिया करता है तो वो काली परत बना लेती है। अगला है आपका, लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देंगे तो उसके सतह पर क्या होता है, जंग चढ़ जाती है, तो किस रंग की परत पड़ जाती है, लाल रंग की, पीले रंग की, काली रंग की या फिर भूरी रंग की? बिल्कुल दोस्तों, ये जो होता है भूरे रंग का परत जम जाता है, न ही काला होता है न ही हरा होता है, भूरे रंग का परत जमता है, जिसे आप संक्षारण भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह मुलायम हो जाता है, प्रबल और कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं, लोहा में। तो दोस्तों जब भी लोहा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो प्रबल हो जाता है और कठोर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्र धातु काशा होते हैं विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, अति चालक या फिर अर्धचालक होते हैं, क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों, ये मिश्र धातु काशा जो है आपको पता है कि ये आपको SN यानी कि टीन और कॉपर से मिलकर के बना है, जिसमें दोस्तों कॉपर जो है 90% और SN टीन जो है आपका 10% मिला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत के कुचालक होते हैं, जो आंसर लिया है इसको चेक भी एक बार आप सभी जरूर कर लीजिएगा। अगला है, धातुओं के ऑक्साइड में जल घुलकर क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड में यदि जल घुल जाए तो क्या बनाएगा, भस्म, क्षार, लवण या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बिल्कुल दोस्तों, आपको पता है धातु का ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो वो हमेशा क्षार बनाता है। अगला है, धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? धातुओं के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा क्षार कहा जाता है। अगला है, धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, धातुओं के ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाता है। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तार के रूप में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कॉपर, यानी कि Cu इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ समापन होता है? जलाने पर मतलब कि वो चमकदार होता है, श्वेत ज्वाला छोड़ता है, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम? तो दोस्तों जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो श्वेत ज्वाला उत्पन्न होता है, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? कौन सी धातु है जो उच्च ताप होने पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? बिल्कुल दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा Au। आगे बढ़ते हैं। सोडियम तथा पोटासियम तेजी से अभिक्रिया करता है। सोडियम तथा पोटासियम धातु जो है तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, इनमें से सभी के साथ। तो दोस्तों, धातु है और यह तेजी से अभिक्रिया करेगा किसके साथ? ठंडे जल के साथ। अगला है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? वाह, जल में डालने पर तैरने लगता है। बिल्कुल दोस्तों, सही जवाब कैल्शियम हो जाएगा। आप सभी थोड़ा कमेंट को फास्ट कीजिएगा, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो चुका है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम या आयरन? तो बिल्कुल दोस्तों, अमलगम कहा जाता है, मतलब कि Hg मिला हो तो उसे आप अमलगम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोहा निम्न में से किस मिश्र धातु को उसके लवणों के साथ लवणों से जो है विस्थापित कर देता है? लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर देता है? जो दोस्तों, जो धातु लोहा से कम क्रियाशील होगा उसी को न विस्थापित करेगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर कॉपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सल्फर के अयस्क का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अयस्क का नाम जितना भी है आप सभी उसे याद कर लीजिए। सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, क्या होगा? साथ ही साथ मिश्र धातु को भी आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। सल्फर के अयस्क का नाम क्या है? सल्फाइड हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? लोहा में अभी पढ़े कि 0.05% जब मिला देते हैं कार्बन तो वो क्या होता है? काफ़ी कठोर हो जाता है। इसका सही आंसर 2% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? क्यूपराइट, बॉक्साइट, सिनेबार, केलेमाइन? बिल्कुल दोस्तों, क्यूपराइट जो है आपका कॉपर का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम, सिनेबार पारा, केलेमाइन आपका जो है ये आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह से हो जाएगा। क्यूपराइट इसका सही आंसर। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु है विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल दोस्तों, ग्रेफाइट और हीरा क्या है? अधातु है, दो अपर रूप है कार्बन के, और ग्रेफाइट है जैसे कि पेंसिल के, जिसे हम लिखते हैं पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, कार्बन की बनी होती है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है जो मुलायम है, कठोर है, द्रव है या फिर गैस है। तो ग्रेफाइट क्या है? काफ़ी कठोर है, कह सकते हैं हीरा जो है आपका कठोर है। ग्रेफाइट भी आपका कठोर ही है, लेकिन दोस्तों उससे भी ज़रूरी है कि वो मुलायम होता है। आभूषण बनने वाला सोना क्या कहलाता है? कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, जिससे कि आप आभूषण अगर बनाते हैं तो ये पिघल जाएगा, जैसे कि हाथ में लीजिएगा, पकड़िएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए 22 कैरेट का आभूषण बनाया जाता है, मतलब कि 24 भाग में 22 भाग सोना, दो भाग जो है अन्य चीज़ कठोर धातु मिलाई जाती है जिससे कि वो कठोर रहे। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है और इसे चाकू से भी काटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसे खुला में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, तेज ज्वाला उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? वो था तेल में डुबा करके सोडियम, पानी में डुबा करके किसे रखा जाएगा? श्वेत फास्फोरस, हमेशा याद रखिए, ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहेंगे? तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं पीतल, कांसा, सोल्डर या फिर डालूमिनियम। तो दोस्तों, कांसा कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कॉपर और टीन। तो कॉपर इसमें कितना होता है कासा में, 90%। टीन जो होता है वो आपका 10% होता है। सोडियम का एक अयस्क चीली सल्फाइड पीटर नाम का है, निम्न में से कहाँ पाया जाता है? भारत में, दक्षिणी अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में? बिल्कुल दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। लेड क्या है? उष्मा का और चालक है, चालक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। सीसा जो होता है, तो दोस्तों सीसा जो है क्या हो जाएगा, कुचालक होता है, मतलब अचालक होता है। ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? दुर्बल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल अवकारक, दुर्बल अवकारक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रबल, स्ट्रॉन्ग अवकारक है, सॉरी ऑक्सीकारक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा विलयन है, मिश्रण है, बताइए किन दो अम्ल को मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया बनता है। बहुत बार आप 9th-10th में पढ़े होंगे, तो HCl और HNO3 के मिश्रण को 3:1 में या फिर 1:3 में, थोड़ा कन्फ्यूजन है, मिलाने पर एक्वारेजिया का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बनाए गए टीन का लेप चढ़ाया जाता है, क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक महंगी है, टीन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है? बिल्कुल दोस्तों 37 का सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। टीन की अपेक्षा होता है जिंक ज़्यादा क्रियाशील, इसलिए जिंक पर क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, जिससे कि अभिक्रिया नहीं कर पाए। मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 981 ये केल्विन हो जाएगा, बी नंबर का सही आंसर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? सीसा और टीन बहुत बार हम लोग यूज करते हैं सोल्डर के रूप में, जिससे कि पिघलाकर दो तार को सोल्डिंग किया जाता है सोल्डर के द्वारा। घर में लगी बिजली के तार पर विद्युत चीज़ों की परत चढ़ाई जाती है, किन चीज़ों की परत चढ़ाई जाती है? तार जो होती है उस पर जो परत चढ़ाई रहती है प्लास्टिक जैसा, वह किस चीज़ की परत होती है? दोस्तों वो जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, यानी कि एक प्लास्टिक टाइप से होती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिलिका जो हो जाएगा आपका उपधातु है। सिनेबार में से किसका अयस्क प्राप्त होता है, मतलब किसका जो है कौन सी प्राप्त होता है सिनेबार से, इस तरह से है। कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर कट रहा है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन इस तरह से है, सिनेबार निम्न में से किसका अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार जो होता है किसका अयस्क है, तो ये आपका पारा हो जाएगा, HGS होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पारद, सी। HG को पारद भी कहा जाता है। अगला है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर क्या करते हैं, पतली परत चढ़ाते हैं कौन चीज़ का? तो दोस्तों जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसका परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत, जिससे कि, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट भी किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए पेंट किया जाता है, और तेल या ग्रीस लगा करके भी जो है बचाव करते हैं, जिंक की परत चढ़ा करके भी बचाव करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी उत्तर सही है, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जो इसमें लिया गया है सी नंबर का जो कि गलत है, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जस्ता के अयस्क है सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड या सोडियम क्लोराइड? तो होगा नहीं, सिनेबार होगा नहीं, जिंक ब्लेंड आपका हो जाएगा, बॉक्साइड आपका अलमुनियम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट नामक कोयले से प्राप्त किया जाता है, बहुत ही अच्छे किस्म के हैं, तो किसके साथ मिला देंगे एंथ्रासाइट को तो ग्रेफाइट प्राप्त होगा? बिल्कुल दोस्तों बालू के साथ मिला करके अगर गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है?
सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, गन पाउडर के रूप में किया जाता है विस्फोटक के रूप में, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्यों? यह ऊष्मा का सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, चालक और कुचालक दोनों है। तो दोस्तों, हम लोग धातु के बर्तन में खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो सुचालक होते हैं, गर्म करने पर वो गर्म हो जाए, तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम दो धातु हैं जो जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन सा गैस है जो उसको डूबने नहीं देता है? कमेंट फास्ट कीजिए दोस्तों। हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है जिसके कारण ये नहीं डूब पाता है। अगला है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों, पोटासियम जल के साथ अभिक्रिया करती है, इसलिए KOH भी बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क के रूप में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रिप्लाई दीजिएगा। सिल्वर और गोल्ड धातु, सोना धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सिल्वर और गोल्ड, सोना चांदी जो होता है, इसका परिष्करण निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन, चूनकर या चुंबक या अपचन विधि द्वारा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि जब आप इस लाइव के बाद आते हैं तो आपको कमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि लाइव समय ही ज्वाइन कर पाएँ आप। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एक लाइक आप सभी जरूर कर दीजिए जाते जाते। धन्यवाद।